अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ बनाने में तो बहुत ही इजी है और बहुत ही जल्दी 10 मिनट में बन जाएगी और पूरे घर की फेवरेट है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के सूजी और बेसन के हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ मैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है, एक कप मैंने सूजी ली है और एक कप मैंने बेसन लिया है, यानी एक एक कप हमने दोनों चीज़ें लेनी है, एक कप सूजी एक कप बेसन। और इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे भूनना शुरू कर दिया। इसमें मैंने अभी कोई घी ऐड नहीं किया है, इसे सिर्फ बगैर घी के मैं भी भून रही हूँ। और एक और सॉस पैन में मैंने यहाँ पर दो कप चीनी ले ली है और एक मोटा सा पिंच मैंने केसर का लिया है, ज़ाफ़रान का लिया है। पानी इसमें मज़ीद मैं 3 कप पानी डालूँगी, यानी 2 कप मैंने चीनी ली है तो 3 कप मैंने पानी के लिए हैं। यहाँ पे हमारी सूजी और बेसन अच्छी तरह से भुना चुका है तो फिर मैंने यहाँ पर 1 कप मैंने देसी घी का इसमें ऐड कर दिया है और देसी घी डालने के बाद मैं इसे मज़ीद 3-4 मिनट भूनूंगी मीडियम फ्लेम पे। देखें जो सूजी का कलर है ये चेंज होना शुरू हो गया किनारे से। अब इस स्टेज पे जब हमारी सूजी में से काफ़ी खुशबू आने लगेगी तो जो मैंने चाशनी रेडी की थी वो चाशनी मैं इसमें यहाँ पर डाल दूँगी और हल्के हाथों से आहिस्ता आहिस्ता करके ऐड करूंगी और इसको साथ साथ मैं भूनती भी रहूंगी ताकि इसमें कोई लम्स कोई गुठलियाँ वगैरह ना बने। 1-1 कप सूजी और बेसन था और इस तरह ये 2 कप हो गए तो 2 ही कप मैंने चीनी ली, यानी जो बेसन है और चीनी बराबर लिया है मैंने। यहाँ पे मैंने डाल दिया है कुटी हुई छोटी इलायची है। इस स्टेज पर डालेंगे हम कुटी हुई छोटी इलायची, अगर मैं शुरू में डाल देती तो इसकी खुशबू कम हो जाती। अच्छा, यहाँ पर पानी हमारा काफ़ी ड्राई हो चुका है, हलवे का फ्लेम मैंने थोड़ा सा इस पर हाई किया हुआ था। इसके बाद मैंने इसे कवर करके तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने इसे दम पे पकाया। उसके बाद मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर दिया। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। मैंने थोड़े से इसमें यहाँ पर बादाम डाल दिए हैं। इसको मैं दोबारा कवर करके तकरीबन पकाऊँगी 5 मिनट के लिए। देखें 5 मिनट के बाद इसका टेक्स्चर बिल्कुल चेंज हो गया, जो हमारी सूजी है वो बिल्कुल गल चुकी है, सूजी का दाना गल चुका है। यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा खोया ऐड करूँगी। खोया ऐड करने के बाद ज़्यादा इसको मिक्स नहीं करना है, हल्के हाथों से बस इसे मिक्स करना है। इसमें खोए के चंक्स रहने चाहिए और इसके बाद मैं इसे दोबारा कवर करके 2 मिनट के लिए सिर्फ दम पे लगा दूँगी ताकि जो खोया है हमारा वो भी अंदर से अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। 2 मिनट के बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे डिश आउट करेंगे और गरम गरम अपनी फैमिली को और अपने मेहमानों को सर्व करें। बहुत ही ज़बरदस्त हलवा है और बहुत जल्दी बन जाने वाला हलवा है।